री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही सौभाग्य का विषय है, जैसा कि अभी हमने बताया था तो कि हमारे विद्यालय में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से हमारे वित्त एवं लेखाधिकारी साहब पधारे हुए हैं। आप लोगों के बीच में कुछ ज्ञानवर्धक बातें आपसे करना चाहते हैं। ये मैंने आपको सूचित भी किया था कि आपसे कुछ इंटरेक्शन करेंगे, कुछ आपको ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे, तो उसी के संबंध में सर आपके बीच में आ चुके हैं। और हमारे बगल श्री रंजीत वर्मा जी उसी कॉलेज के अध्यापक हैं। सर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद में सर आपका वो करेंगे। देखिए बच्चों, हमारे बीच में हमारे माध्यमिक के जो माध्यमिक शिक्षा है उसके वित्त एवं लेखा अधिकारी जी बैठे हुए हैं। आप लोग जैसे जिस परिवार से हैं, सर भी उसी परिवार से, एक कृषक परिवार से ही हैं, एक सामान्य परिवार से। और जितने लगभग बैठे मैं जानता हूँ, यहाँ सामने जो दिखाई पड़ रहे हैं सबसे कम उम्र के हैं और तीसरी जॉब है सर की, तीसरी नौकरी है। तो अभी आप लोगों को और हमारे बगल का जनपद अम्बेडकर नगर, यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर पर सर का निवास है। और परिवार में इसके पहले, सर के पहले मतलब कोई सर्विस में नहीं था। पिताजी भी आप लोग तरीके जैसे आप लोग परिवार से आए हैं, कृषक परिवार से, उसी परिवार से थे। और आज सर भी राजपत्रित अधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित, मतलब सबसे बड़ी परीक्षा हमारे जो प्रदेश में कराता है लोक सेवा आयोग, तो उसके द्वारा चयनित PCS वित्त हैं। आप लोग बीच में सर आए हैं कि आप लोग भी कैसे किन सूत्रों को अपनाकर और बेटर कर सकें, अपने परीक्षा में कैसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, सर आपको बताने जा रहे हैं। इस विद्यालय में आमंत्रित करने के लिए एवं इस कक्षा कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने मेरा परिचय बताया कि एक जो है मध्यम वर्गीय ग्रामीण परिवेश से होना, देखिए आप लोगों को भी ये चीज़ समझना है कि ग्रामीण परिवेश से होना, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से होना, ये कभी भी किसी के लिए समस्या नहीं बन सकती है। अगर आप सोचते हैं कि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, अपने परिवार, अपने समाज, क्षेत्र, राष्ट्र का नाम रोशन करना है, तो इसके लिए परिस्थितियां कभी भी जो है अपने मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। इसलिए आप सभी लोगों को एक ही सूत्र अपनाना है कि मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ना है और इस पथ पर चल करके जो है अपने व्यक्तित्व का न केवल विकास करना है बल्कि अपने मन में संजोए हुए लक्ष्य को भी प्राप्त करना है, जिससे आपका सर्वांगीण विकास हो सके, आपके परिवार समाज क्षेत्र का जो है विकास हो सके और इस तरीके से आप अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सकें। जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्र का नाम रोशन करना, ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि ये बहुत बड़ी अवधारणा है, ये बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि जो लोग भी आज की डेट में ये कार्य कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कला जगत की महान हस्ती है, वो इसी तरीके के कक्षा कार्यक्रमों में जो है पढ़ाई किया है, वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पर इसी तरीके की पढ़ाई किया है, उसके लिए उन्होंने कहीं कोई विशिष्ट चीज़ या कोई विशिष्ट किताब का अध्ययन नहीं किया है, बल्कि इसी तरीके से पढ़ाई करके वो अपने जीवन में आगे गए हैं। वही कार्य को समझना है, इसी कार्य को देखना है। कभी भी किसी भी पॉइंट को, किसी भी चीज़ को, किसी भी नकारात्मक स्थिति को अपनी कमजोरी नहीं बनाना है, बल्कि उससे निपट करके आगे बढ़ना है और निपटते हुए अपने आप को मजबूत बनाना है, जिससे कि आप अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम गरीब घर से हैं, कभी गरीबी आपके बढ़ने को रोक नहीं सकती है। यदि आपके अंदर जो है जज्बा है, भरोसा है, विश्वास है, तो विश्वास एक ऐसी चीज़ है, सोच एक ऐसी चीज़ है जो आपको सफलता की बुलंदियों पर ले जाता है, क्योंकि इस दुनिया में सोच से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि कोई भौतिक चीज़ दिख रही है तो उसका आकार हो सकता है और सोच की कोई सीमा नहीं होती है। अगर आप सोचते हैं तो कर डालते हैं, बस केवल सोचने की, अपने लक्ष्य के निर्धारण की और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही साधन को अपनाने की जरूरत है। आप उस मार्ग पर चल करके निश्चित तौर पर जो है आगे बढ़ सकते हैं।
जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, आप लोग कुछ कम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भविष्य में हमें आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा चीज़ें जो है पढ़ना होगा, ज़्यादा चीज़ें करना होगा, तो सोचते हैं तो आप कर डालते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कम है पर मुझे यकीन है कि ये आसमान कम है। इसके साथ साथ जो है आपको ये चीज़ देखने की आवश्यकता है कि कुछ चीज़ें हमारी टीम, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे पढ़ाई के माध्यम से रिसर्च के थ्रू कुछ चीज़ें आई हैं जिसे हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे, लेकिन इसे सुनने के लिए नहीं बल्कि करने की ज़रूरत है। आज की दुनिया में जो है व्यक्ति डिजिटली कोई कार्य कर रहा है, लेकिन उसे आपको फिजिकली करना है, जो कि ना केवल आपके स्वास्थ्य के लिए बल्कि एक स्वस्थ संस्कृति के लिए भी जो है आवश्यक और जरूरी है। इसलिए सुनने से ज़्यादा करने में आपको जो है भरोसा करना है और उस मार्ग पर चल करके अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना है। तो कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनके अवधारणा से हम आपको परिचित कराने का प्रयास करेंगे। ये सब चीज़ें आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग कर रहे होंगे और नहीं कर रहे होंगे तो अब करना शुरू कर देंगे। आप यह भी समझ लीजिए कि यह कार्यक्रम जो है वो आपके हित के लिए आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम न हमारे लिए आयोजित किया गया, न प्रिंसिपल साहब के लिए आयोजित किया गया, न टीचर बंधुओं के लिए आयोजित किया गया है, बल्कि यह कार्यक्रम नितांत और पूरी तरीके से आपके हित से, आपके भविष्य से, आपके सर्वांगीण विकास से, आपके चरित्र निर्माण से और इस रूप में जो है राष्ट्र के विकास में योगदान से संबंधित है। इसलिए आपको ये सारे कार्य करने ही करने होंगे। और आप ये सोचिए कि अगर अपने जीवन में 3 साल 4 साल सही तरीके से पढ़ाई करके किसी स्थान पर आप पहुँच जाते हैं तो वो बेहतर है, या 3-4 साल अपना समय गंवा करके जो है जीवन भर बेरोजगार रह करके रोड पर घूमना बेहतर है? तो मुझे तो लगता है पहला विकल्प बेहतर होगा। और जिस तरीके से आप लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं बातें, उससे आपके अनुशासन का भी जो है परिचय मिलता है और ऐसा लगता है कि आप लोग निश्चित तौर पर जो है ऐसा करेंगे, और करने में ही आपका, अपने समाज का और देश का हित निहित है। तो कुछ ऐसी अवधारणाएँ हैं, कुछ ऐसे व्यवस्थाएँ हैं, कुछ ऐसे प्रवृत्तियाँ हैं जिसे हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। और उसी में से ये है कि आपको मेहनत, ईमानदारी, समझदारी, संवेदनशीलता, अनुशासन, निरंतरता के गुण को, प्रवृत्तियों को अपने में विकसित करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती होंगी, कभी टीचर के माध्यम से, कभी न्यूज़पेपर के माध्यम से, कभी रेडियो के माध्यम से, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताई जाती होंगी। लेकिन ये चीज़ें केवल बताने का और सुनने का नहीं बल्कि समय है ऐसा, आप अपने उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जहाँ पर करने की ज़रूरत है। आप जब करेंगे तभी उसका वांछित परिणाम मिलेगा, ना केवल आपके लिए बल्कि परिवार, देश, समाज और हित के लिए। ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। और चूंकि हम लोग चल करके केवल आप लोगों के हित में एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, प्रिंसिपल साहब ने शॉर्ट टर्म नोटिस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया है, तो ये केवल नितांत आप लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। यहाँ पर 6 से 12 तक क्लासेज चलते हैं, किंतु 10, 11, 12 के बच्चों को इसलिए बुलाया गया है, कार्यक्रम में शामिल किया गया है, क्योंकि अब आपकी एक ऐसी उम्र है, समझदारी का एक ऐसा स्तर है कि अब आपको यहाँ पर अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेना होगा। यदि आप लोगों ने ले लिया है तो द बेस्ट है, नहीं लिए हैं तो अब आपको ले लेना होगा और उस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना होगा। आप अपने लक्ष्य का निर्धारण कैसे करेंगे? लक्ष्य के निर्धारण के लिए ये सबसे ज़्यादा और आवश्यक है कि आप अपने रुचि को आधार बनाइए। आप अपने रुचि के आधार पर अपने लक्ष्य का निर्धारण कीजिए, क्योंकि रुचि के आधार पर निर्धारण किया गया लक्ष्य जो है वो बहुत ही आसानी से मिल सकता है, क्योंकि जब जिसमें पैशन होता है वो व्यक्ति के ऊपर बोझ के रूप में नहीं होता है। अगर आपकी गणितीय संक्रियाओं में रुचि है तो आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, अगर आपके पास जो है विज्ञान की में रुचि है विषय में तो आप मेडिकल लाइन में जाएंगे, इसी तरीके से मानविकी के विषयों में अगर आपकी रुचि है तो आप सिविल सेवा की तैयारी करेंगे। और आज से अगर ये आपने ठान लिया तो आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस पथ पर जो है आगे बढ़ने से और आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक सकता है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको इन गुणों को विकसित करना है और आगे बढ़ना है, अपने रास्ते पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। मेहनत एक ऐसा गुण है, मेहनत एक ऐसी व्यक्ति की विशेषता और प्रवृत्ति है जो
व्यक्ति को श्रमशील बनाने के साथ साथ जो है अनुशासित भी बनाता है, अपने समय का सदुपयोग करना जो है सिखाता है। मेहनत का तात्पर्य जो है आप लोगों के लिए अगर पूछा जाए तो खेत की गुड़ाई नहीं है, केवल खेल के मैदान में समय खर्च करना नहीं है, बल्कि मेहनत का तात्पर्य है कि जिस भी कक्षा में आप हैं उस कक्षा के लिए निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम को समय से पूरा करना है। यदि आप इस तरीके से दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आधार पर अपना स्कीम बनाते हैं, योजना बनाते हैं और उस योजना का समय से पूरा करते हैं तो ये कहा जाएगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत ही एक ऐसा जो है माध्यम और मार्ग है जिस पर चल करके बहुत ही आसानी से अपने आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेहनत करना ही करना है, मेहनत करना सीखना चाहिए, क्योंकि मेहनत व्यक्ति को महान बनाता है। गांधी जी भी ने जो है श्रम की महत्ता को स्वीकार किया था और ये बताया था कि किसी का भी श्रम जो है किसी के श्रम से कम नहीं होता है। चूंकि आप विद्यार्थी हैं, आपका श्रम दुनिया में किसी भी व्यक्ति और वर्ग के श्रम से बेहतर है, क्योंकि यही आगे आने वाले समय में राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता है। भविष्य का आप लोग कर्णधार हैं, भविष्य के निर्माता हैं, तो इसलिए जो है एक स्टूडेंट के लिए जो समय है वो बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। समय और श्रम, इन दोनों के महत्व को जो है आपको समझना होगा। इस आधार पर मेहनत करना है, केवल सुनना नहीं है बल्कि जीवन में मेहनत करना। दूसरी बात यह है ईमानदारी। ईमानदारी का तात्पर्य केवल झूठ बोलना नहीं है, यह इसका केवल आंशिक और शाब्दिक अर्थ हो सकता है। आप एक विद्यार्थी हैं, ईमानदारी का तात्पर्य यह है कि आप जो काम का प्लान बनाते हैं, जो पढ़ते हैं, वो महसूस करते हैं कि हमने जो पढ़ाई किया उसकी तैयारी हो गई। जैसे अगर किसी दिन आपने विज्ञान के दो लेसन को प्लान में रखा कि आज हमें इसे पढ़ना है, और आप पढ़ लेते हैं और स्वयं महसूस करते हैं कि हमने इसकी तैयारी कर लिया, तो आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। किसी दूसरे को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं करना है, केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई नहीं करना है, बल्कि पढ़ाई ऐसे करना है जिससे समझ विकसित हो सके और आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, जिससे न केवल आप परीक्षा को बल्कि जिंदगी के तमाम उलझनों और परीक्षाओं को आप निकाल सकें। तो इसलिए ईमानदारी के शाब्दिक अर्थ के बजाय उसके व्यापक संदर्भों में अर्थ को समझने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि इस शब्द के मतलब को आप समझ गए होंगे कि ईमानदारी का तात्पर्य केवल झूठ बोलना नहीं है, बल्कि ईमानदारी का तात्पर्य यह है कि जो चीज़ें आपके शिक्षक के माध्यम से कही जा रही हैं और जो चीज़ें आप करना चाह रहे हैं वो उस दिन या उस सप्ताह या उस मंथ में आपने कर लिया और स्वयं महसूस कर लिया कि हमने ये काम जो करना था वो करके हमने इसको तैयार कर लिया। यदि आप ये चीज़ महसूस करते हैं तो यही आपकी सच्ची जो है ईमानदारी है। तो अगर आप लोग ये चीज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर देना होगा। हम सभी लोग इस कक्षा कार्यक्रम को इसीलिए आयोजित किए हैं कि ताकि आप लोग ये बात जो है अच्छी तरीके से समझ सकें और आप लोगों के अंदर प्रस्फुटित हो रहे जो है गुणों को विकसित किया जा सके। इसी कड़ी में जो है अगला एक महत्वपूर्ण शब्द होता है समझदारी। समझदारी का मतलब अगर किसी से पूछा जाता है तो कोई कहता है टैलेंटेड होना, तेज होना, से कहते कुछ बच्चे तेज हैं पढ़ने में, इसको कहा जाता है समझदारी। नहीं, समझदारी का तात्पर्य यह होता है समय और परिस्थितियों के अनुसार लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय, और एक ऐसा निर्णय जिससे कि आप जो है उस काम को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं और अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है समझदारी। समझदारी इसी में होती है कि व्यक्ति सही तरीके से सही समय पर निर्णय लेता है। अब एक चीज़ मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि अगर आप परीक्षा दे रहे हैं और आपको 10 सवाल हल करने हैं, उसमें शुरुआत में कुछ समय आपने खर्च कर दिया प्रश्न पत्र को पढ़ने में, अब आपके पास समय कम बचता है, यानी कि आपके ऊपर दबाव बनता है। आपके पास दो विकल्प हैं, एक तो ये विकल्प है कि आप प्रश्नों को उसी तरीके से करिए, उतना ही समय लीजिए जैसे पहले आप करते थे और लास्ट में एक दो सवाल आपका छूट जाएगा। लेकिन एक दूसरा विकल्प ये है कि आप अपनी लेखनी के जो है गति को बढ़ाएंगे और थोड़ा सा अपने आंसर को जो है कंसाइज करेंगे, जिससे कि आप 10 सवाल को हल कर लेंगे। एक दूसरा निर्णय ये भी है। अब आप सोचिए कि पहला निर्णय सही है कि दूसरा निर्णय सही है। पहला निर्णय सही नहीं है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा लिख देते हैं लेकिन आपको ना करने वाले सवालों के नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपके सामने यही निर्णय सही है कि हमें किसी तरीके से अपने 10 के 10 सवाल को हल करना है। मैं ये केवल उदाहरण बता रहा हूँ, बल्कि आपके जीवन में इसी तरीके से, आपके पढ़ाई में इसी तरीके से, आपके तैयारी में इसी तरीके से कई परिस्थितियां आएंगी जिसमें आपको ये चीज़ समझना होगा कि हमें कब क्या निर्णय लेना है।
और इस तरीके से निर्णय लेने के गुण का विकास व्यक्ति को काम करते करते आता है। कोई भी व्यक्ति पहले ही दिन से सारी चीजें नहीं सीख लेता, उसके लिए धीरे धीरे गुण विकसित होता है और तब विकसित होता है जब व्यक्ति काम करता है, किताबों का अध्ययन करता है, परीक्षाएं देता है, टेस्ट देता है, अपने शिक्षकों से पूछता है, अपने वरिष्ठ जनों से पूछता है, तब वह धीरे धीरे जा करके सीखता है और वह जो है व्यक्ति परिपक्व होता है, उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो इस तरीके से आपको अपने जीवन में जो है आगे बढ़ना है और इस समझदारी के गुण को विकसित करना है। अगला जो अवधारणा है, अगला जो शब्द है वो है निरंतरता। निरंतरता को अंग्रेजी में बोलते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, निरंतरता, जैसे खरगोश और कछुए की कहानी जो है आप सभी लोगों ने सुना होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने एक योजना बना लिया है कि हमें प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ाई करना है, स्कूलों में जो पढ़ाई जा रही है चीज़ें उस चीज़ को जा करके पूर्ण करना है, पुनः इसको दोहराना है, याद करना है, तैयार करना है, तो आप निरंतर 5 घंटे की पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं कि एक कोई कक्षा कार्यक्रम आज की जैसे आयोजित कर दिया गया और आप जा करके घर पे 15 घंटा पढ़ लेते हैं 2 दिन, उसके बाद फिर किताब रख देते हैं, तो यह निरंतरता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको निरंतर पढ़ना होगा, भले ही 1 घंटा कम पढ़ाई कीजिए, लेकिन जितनी पढ़ाई कीजिए वो डेली आपकी पढ़ाई उसी तरीके से होनी चाहिए। तो निरंतरता जो है बहुत ही आवश्यक है, जो सही तरीके से लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग आप लोगों को प्रशस्त करता है। तो निरंतरता के साथ साथ अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो अनुशासन है। अनुशासन व्यक्ति की एक ऐसी विशेषता है, व्यक्ति के अंतर्गत निहित एक ऐसा गुण और प्रवृत्ति है जो किसी काम को सही तरीके से सही समय पर करने की सीख देता है। यदि व्यक्ति इस तरीके से किसी काम को करता है तो न केवल वो समय से और नियमानुसार काम को पूरा करता है, बल्कि सबसे उचित और सबसे वांछित लक्ष्य भी उसे प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में अनुशासन को विकसित करने का प्रयास आप लोगों को करना होगा। और यह कैसे करेंगे आप लोग अनुशासन अपने जीवन में, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि हम समय से विद्यालय आए, पहले अनुशासन की सीख इसी में निहित है। आप अपने कपड़े को जो है आप साफ सुथरा रखिए, शुद्ध रखिए, साफ सफाई आसपास रखिए, अपने किताबों को जो है सही तरीके से रखिए, अपने आसपास के अगर कोई कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो उनको अगर कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो आप उसको बताते हैं। ये सारी चीज़ें अपने से जो है बड़े की बात मानते हैं, अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं, ये चीज़ें जो है आपको धीरे धीरे अनुशासित बनाती है। और एक अनुशासित व्यक्ति ही जो है अपने व्यक्तित्व का अधिकतम विकास कर सकता है और एक महान लक्ष्य को जो है प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में इन जो संक्षिप्त बातें आप लोगों को बताई गई कि मेहनत, ईमानदारी, समझदारी, संवेदनशीलता और अनुशासन तथा निरंतरता के गुण को विकसित करना है, मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि इस मार्ग पर चल करके अगर कुछ दिन तक ही कार्य आपने किया तो अपने व्यक्तित्व में आप निश्चित तौर पर बदलाव देखेंगे। आप लोग अपने उम्र और शिक्षा के ऐसे स्तर पड़ाव पर पहुंचे हुए हैं जहां पर आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना ही सोचना है कि आगे चल करके हमें क्या करना है। अपने समय का व्यवस्थित ढंग से सदुपयोग करना है, क्योंकि समय का व्यवस्थित ढंग से अगर उपयोग आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने पाठ्यक्रम की अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। कहा जाता है ना कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए इस चीज़ को आज समझ लेना आवश्यक है। हम लोग यहाँ पर आकर के इसलिए यह चीज़ बता रहे हैं क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे कि हमने तैयारी नहीं किया, हमें करना चाहिए था, तो क्या आपको लग रहा है कि वो समय आप वापस ले आ पाएंगे? नहीं ला पाएंगे, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता है। इसलिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो गलतियां लोग करते हैं वो गलतियां आप लोगों को नहीं करना है। और दूसरी बात ये समझना है कि हम किसी भी परिवार से हों, छोटा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, सुविधा संपन्न हो ना हो, ये सारी चीज़ें आपके मार्ग में बाधा नहीं बनेगी, बल्कि कर लेने का जुनून जो है इन सभी बाधाओं से ऊपर है और आपको आगे ले जाता है। लास्ट में हम कार्य करने की, पढ़ाई करने की सफलता के कुछ सूत्रों को जो है 2 मिनट में बताते हैं, बस इसी को ध्यान से सुनिए, हम लोगों का एक अच्छा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। अपने जीवन में केवल पढ़ाई करना ही नहीं, बल्कि चाहे जो है
परीक्षा देना हो, तैयारी करना हो, जीवन में कोई काम करना हो, आप ये समझ लीजिए कि जिंदगी में कभी शॉर्टकट मत अपनाइएगा। किसी भी चीज को करने का जो तौर तरीका निर्धारित किया गया है, निश्चित किया गया है, आपको उसे अपनाना होगा और उसी के अनुसार काम करना होगा। यदि आपके लिए कोई पाठ्यक्रम निश्चित और निर्धारित किया गया है, कक्षा 10 का स्टूडेंट है, कोई 12 का है, कोई 11 का है, तो उस शैक्षिक सत्र में आपको उन किताबों का ईमानदारी से अध्ययन करना होगा। देखिए यहाँ पे फिर शब्द आ गया ईमानदारी, और ईमानदारी का वही मतलब है जो पहले हमने आपको बताया है कि उसे खुद पढ़ना है और इंट्यूशन से उसकी आत्मानुभूति आपको होना है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो सही और सत्य है, जो चीज़ें हमने निश्चित किया था वो आज के इस कक्षा कार्यक्रम ने हमने पूरा कर लिया। तो ये बात जो है समझने की जो है आवश्यकता है कि जीवन में कभी भी शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है, पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी करना है। शॉर्टकट तरीके से आप केवल परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी और प्रतियोगिता की बहुत ढेर सारी परीक्षाएं आप नहीं पास कर पाएंगे। इसलिए पाठ्यक्रम की तैयारी के लिए आप एक विस्तृत कार्य योजना पर काम करेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। दूसरी बात इसी कड़ी में महत्वपूर्ण ये आती है कि आप किसी चीज़ को रट करके नहीं पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ को रट करके नहीं पढ़ेंगे, आप समझ आधारित पढ़ाई करेंगे। और समझ आधारित पढ़ाई कैसे होती है यह भी चीज़ समझना आवश्यक है कि जब किसी टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो उसके सभी पक्षों को जो है समझना होगा। जैसे आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, आपने राष्ट्रपति एक टॉपिक आपने पढ़ा, तो राष्ट्रपति पद का संविधान में कहाँ पे भी उल्लेख है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति के कार्य क्या हैं, राष्ट्रपति को हटाने की क्या व्यवस्था है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं, इसको आपको समझना होगा। जैसे आप आनुवंशिकी विज्ञान में पढ़ रहे हैं तो आनुवंशिकी का तात्पर्य केवल यही नहीं कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं, बस इतना पढ़ के छोड़ दीजिए। आनुवंशिकी की खोज किसने किया, उसकी किताब का क्या नाम है, आनुवंशिकी की खोज कब की गई, उसकी विशेषताएँ क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं, आनुवंशिकी के प्रयोग कब किसने किया, किस चीज़ पे किया, इन सारी चीज़ों को इंटरकनेक्टेड अप्रोच के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसे कहा जाता है अंतर संबंधित उपागम। यानी कि किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो उसके सभी पक्षों को जोड़ के पढ़ेंगे। और जब इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है कि चीज़ें भूलती नहीं हैं, इस तरीके से चीज़ें भूलती नहीं हैं। और परीक्षा हो या कंपटीशन के एग्जाम हो, कहीं पर भी उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको हल करने में सफल हो जाएंगे। इसलिए दो तीन बातें यही महत्वपूर्ण थी जो हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया, आप लोगों से चर्चा किया, तो इसे अपने जीवन में उतारने का आपको प्रयास करना होगा। अंतिम बात जो है मैं बताने जा रहा हूं कि किताबों के पढ़ाई में कम से कम 3 दिन के अंतराल पर दोबारा पढ़ने का प्रयास होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं आज पढ़ने के बाद आप तीसरे दिन जरूर पढ़ेंगे, और इस तरीके से करके कोई भी टॉपिक, कोई भी किताब आप 3 बार जरूर पढ़ेंगे। यह चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ कि जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं उस टॉपिक को 3 बार आप पढ़ेंगे, आज पढ़ लिया, फिर 2 दिन के बाद पढ़ लिया, फिर उसके 2 दिन के बाद पढ़ लिया, तो वो चीज़ आपके माइंड में ड्यूरेबल हो जाएंगी। समझ में आई बात कि नहीं, कि कम से कम 3 बार पढ़ना है और तीसरे दिन उसको पुनः पढ़ लेना है, इससे आपके दिमाग पे वो चीज़ें ड्यूरेबल होंगी, लंबे समय तक रहेंगी। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर आप एक टॉपिक पढ़ लेते हैं फिर 3 महीना बाद उस चीज़ को देखते हैं या सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए कुछ नहीं पता होता क्योंकि पढ़ने के बाद जब वो चीज़ें लंबे समय के बाद देखी जाती हैं तो मन मस्तिष्क से वो बातें हट जाती हैं, क्योंकि आपके माइंड जो है वो कंप्यूटर के स्टोरेज नहीं है कि उसमें कोई चीज़ आपने डाल दिया और जो है पुनः हम वहाँ पर स्टोरेज में पहुँच के उसकी चीज़ को कंप्यूटर चिप की तरह से निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क जो है खाली चीज़ है, वो कैश मेमोरी की तरह से है मोबाइल के, उसमें चीज़ें आती हैं और निकल जाती हैं, इसलिए उसको बार बार प्रयोग में लाना होता है। इसलिए किसी भी किताब को आप कम से कम, या किसी भी टॉपिक को आप कम से कम 3 बार पढ़ेंगे, और आज अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है तो उसको जो है पुनः आगे फिर तीसरे दिन जो है जरूर पढ़ेंगे। इस तरीके से करके आप में पूर्णता आती है, क्योंकि अखबार की पढ़ाई और किताब की पढ़ाई में अंतर होता है। अखबार की चीज़ें सामने आती हैं और पढ़ के ख़त्म हो जाती हैं, परंतु किताब की चीज़ें जो होती हैं उसे अस्थाई बनाना होता है, क्योंकि वह आपको केवल सूचना नहीं देता बल्कि परीक्षा और ज़िंदगी के विभिन्न प्रकार के समस्याओं को समझने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये संक्षिप्त बातें आप लोगों के समझ में आई होंगी। ये कक्षा कार्यक्रम नितांत आप लोगों के हित से संबंधित, ये बार मैं 2-3 बार इसलिए बता रहा हूँ कि इसका संबंध हम लोगों से या किसी विभाग से नहीं है, यह कक्षा कार्यक्रम केवल आप लोगों के व्यक्तित्व के विकास से जो है संबंधित है। इसलिए यह कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है और आप लोगों को जो है
मेहनत, ईमानदारी, समझदारी, संवेदनशीलता, निरंतरता और अनुशासन के गुण को विकसित करने से संबंधित था, तथा लास्ट में जो है कुछ संक्षिप्त जो सूत्र था कि आपको रट्टा मार पढ़ाई नहीं करना है, समझ आधारित पढ़ाई करना है और चीज़ों को 2 से 3 बार पढ़ना है, जिससे आपके मन और मस्तिष्क में ये बातें बैठ जाती हैं। तो इस आधार पर आपको अपनी चीज़ें आगे ले जाना है। और अंत में मैं 1-2 बात और भी बताना चाहूँगा कि इससे संबंधित आप लोगों को जो बातें बताई जा रही हैं, कुछ लोगों को हो सकता है कम समझ में आई हो एक बार, या कुछ लोग छूट गए होंगे, तो एक प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उस प्लेटफॉर्म पर भी जाकर के वो चीज़ें आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से निःशुल्क है। आपके घर में भाई बहन भी होंगे तो वो चीज़ें देख सकेंगे। यहाँ तो कोई बोर्ड नहीं है, अदरवाइज उस पर आप लोगों को लिख दिया जाता, बाकी आपके विद्यालय के स्टाफ के माध्यम से ये चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। वो एक प्लेटफॉर्म है री एजुकेशन IAS अकेडमी के स्तर पर। वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के आप पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो हैं कि कैसे पढ़ाई करना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे समय बचाना है, कैसे भूलने से जो है अपने आप को जो है रोकना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं, जिसे आप जो है देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह कक्षा कार्यक्रम आप लोगों के लिए जो है लाभान्वित करने वाला होगा। और अंत में हम 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को जो है विराम देते हैं कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, ये तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ नहीं इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इसको शस्त्र तू, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। धन्यवाद।